हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 1 × 3 जिसका सम आपके इक्वल दिया गया है, 4 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 2 × 5 जिसका सम आपके इक्वल दिया गया है, 14 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 3 × 7 जिसका सम आपके इक्वल दिया गया है, 30 के इक्वल दिया गया है। और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 7 × 9 किस चीज़ के इक्वल होगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 1 × 3 जिसका सम आपका इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है, 4 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 2 × 5 जिसका सम आपका इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है, 14 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 3 × 7 जिसका सम आपका इक्वल होता है, 21 के इक्वल होता है। और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है, 30 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 7 × 9 जिसका सम आपका इक्वल होगा, 63 के इक्वल होगा। और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किसका यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है, इन दोनों नंबर को प्लस करना है, यानी कि आपको प्लस करना है 1 + 3 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। और 4 मल्टीप्लाई करना है आपको फर्स्ट नंबर जो कि आपका रहेगा 1 रहेगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 4 × 1 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। और 4 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है, इन दोनों नंबर को प्लस करना है, यानी कि आपको प्लस करना है 2 + 5 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। और 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि आपका यहाँ पे रहेगा 2 रहेगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 7 × 2 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा, 14 के इक्वल होगा। और 14 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सम लेना है, इन दोनों नंबर का सम लेना है, यानी कि आपको सम लेना है 3 + 7 का सम लेना है जिसका सम आपका इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। और 10 को आपको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि आपका यहाँ पर रहेगा 3 रहेगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 10 × 3 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा, 30 के इक्वल होगा। वो 30 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहा है। इसी तरह सेम फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सम लेना है, इन दोनों नंबर का सम लेना है, यानी कि आपको सम लेना है 7 + 9 का सम लेना है जिसका सम आपका इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा। वो 16 को आपको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि आपका यहाँ पर रहेगा 7 रहेगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 16 × 7 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा, 112 के इक्वल होगा। यानी कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 112 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस वीडियो।